हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशल क्लासेस हैं जिसमें ये लेक्चर 4 मैं अपलोड कर रहा हूं। इससे पहले 3 लेक्चर्स आपको दिए गए हैं जो कि एलसीएम के ऊपर बेस्ड हैं। उसमें मैंने आपको समझाया कि एलसीएम होता क्या है, निकाला कैसे जाता है और एलसीएम के ऊपर शेषफल के रूप में, रिमाइंडर्स विद एलसीएम, शेषफल के रूप में एलसीएम से किस तरह के सवाल आ सकते हैं, जिसने और जिस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं वो हमने चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं एलसीएम के बाद एचसीएफ की, एचसीएफ, ताकि ये जो टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो आज हम बात करेंगे एचसीएफ की, फिर एलसीएम और एचसीएफ को मिला के बात करेंगे, फिर एक मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे जिसपे सारे तरीके के क्वेश्चंस जो आज तक आए हैं या जितने तरीके के सवाल बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एच का मतलब होता है हाइएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन और एफ का मतलब होता है फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे कहते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक, है ना। इसका इंग्लिश में एक और नाम है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना। तो इसे जी सी एफ और इसे जी सी डी कह सकते हैं। मतलब इतने तरीकों से हम समझ जाते हैं कि इसे हम एच सी एफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। जी सी एफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जी सी डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ये 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों से ही एच सी एफ को निकाल सकते हैं। कह रहा है भाई हाईएस्ट सबसे बड़ा होना चाहिए, जिनका एचसीएफ निकालना है उन सब में कॉमन होना चाहिए, और फैक्टर, फैक्टर का मतलब है गुणनखंड, उनका एक गुणनखंड होना चाहिए। आप जानते हैं कि गुणनखंड, अगर किसी संख्या के गुणनखंडों की बात के बारे में बात करें, गुणनखंड संख्या से हमेशा छोटा होगा, ठीक है, या संख्या के बराबर होगा। जैसे आपको मैं कहूं कि 12 और 16 के गुणनखंड बताओ, तो आप कहोगे कि भाई 12 गुणनखंड मतलब जो संख्या को विभाजित कर दे, है ना। तो 12 को कौन कौन काटेगा? 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा और 12 काटेगा। 16 को कौन कौन काट पाएगा? 1 काट पाएगा, 2 काट पाएगा, 4 काट पाएगा, 8 काट पाएगा और 16 काट पाएगा। तो हमने देखा कि इसमें और इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स दोनों में 1 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है और दोनों में 4 कॉमन है। इसका मतलब 12 और 16 में 3 गुणनखंड ऐसे हैं जो कॉमन है। लेकिन हमें अगर एचसीएफ की बात करना है तो हाईएस्ट भी जोड़ना पड़ेगा। हाईएस्ट का मतलब है महत्तम। तो 1, 2 और 4 में सबसे बड़ा कौन सा? 4। तो इसे मैं कहूंगा एचसीएफ 4। ये था सीएफ, है ना, सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड कहते हैं कॉमन को, कभी कभी इस शब्द के साथ साथ भी आपके एग्जाम में आ जाता है। सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर्स वो हैं 1, 2, 4, 12 और 16 के। लेकिन एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब पूरा का पूरा महत्तम समापवर्तक, वो क्या है? 4, है ना। तो पहले हम बात करते हैं कि एचसीएफ कितने तरीकों से निकाला जा सकता है, फिर हम बात करेंगे कि एचसीएफ में रिमाइंडर के रूप में किस तरह कितने सवाल बन सकते हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, पहला एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? एचसीएफ निकालने के तरीके, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे 12 और 16 का ही निकालना है, 12 और 16 का एचसीएफ, है ना।
तो हम 12 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं भाई, 12 को अभाज्य संख्याओं से भाग देना शुरू करो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, अब एक केवल एक से कटेगा और एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैं अभाज्य संख्याओं से तब तक भाग दूंगा जब तक भागफल, अंतिम भागफल एक ना आ जाए। तो 12 को अगर मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखूं तो क्या है भाई, 2 × 4 = 12, तो 2 × 2 = 3। ऐसे ही 16 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखूंगा तो 16 को मैं भाग देना चालू करूंगा, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। तो आपने देखा 16 में 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 = 8 × 16। अब मुझे निकालना है SCF। SCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। यहां पर 2 का एक जोड़ा बना, दोनों में कॉमन है तो इसे बाहर निकाल लिया, यहां दोनों में कॉमन है 2 तो बाहर निकाल लिया, बीच में गुड़ा है तो गुड़ा लगा दिया। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं लूंगा, तो SCF क्या जाएगा, 2 × 4, और आप जानते हैं कि 12 और 16 का SCF क्या है, 4। LCM में क्या करते थे, LCM में कॉमन वाले को तो एक बार लेते थे, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उन सारों को उतार लेते थे, वो LCM हो गया, ठीक है। SCF में हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये बात थी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा SCF बताना। आई दूसरा तरीका, डिवीजन मेथड, भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा अगर मैं कहूं कि 12 और 16 का HCF बताओ, है ना, और मैं आपसे कहूं कि भैया भाग विधि द्वारा बताओ, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे, तो 16 में 12 से भाग देते हैं, ठीक है भाई, भाग छोटी संख्या से ही जाएगा, तो 16 को 12 से भाग देते हैं, 12 × 1 = 12, शेषफल कितना आया, 4। अब जो यहां पर आपका भाजक था वो अगली स्थिति में क्या बन जाएगा, भाज्य। अब 12 को 4 से भाग देते हैं तो 4 × 3 = 12। अगर यहां पर भी कोई शेषफल आता तो ये भाजक भाज्य बन जाता। इस तरह की प्रक्रिया आगे चलती रहती तब तक जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। जिस स्थिति में शेषफल शून्य आएगा उस स्थिति में जो अंतिम अंतिम भाजक होगा वही क्या होगा, SCF। यहां पर अंतिम क्या है, अंतिम भाजक, यही आपको क्या होगा, HCF, ठीक है। जैसे मैं कहूं 16 और 48 इसका SCF बताओ, तो आप भाग दो, ये तो कट ही जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं 15 और 25 का SCF बताओ, 15 और 25 का आपको डिवीजन मेथड लगाना है, तो 25 को आप 15 से भाग दीजिए, 15 × 1 = 15, कितना आया, 10। फिर यहां पर आएगा घूम के ये 15, भाज्य बन जाएगा, 10 × 1 = 10, शेषफल कितना आया, 5। आपने देखा अभी शेषफल शून्य नहीं आया, अब ये भाजक फिर घूम के आएगा, भाज्य बन जाएगा, अब भाग जाएगा 2 बार, 5 × 2 = 10, कितना आ गया, 0। जिस स्थिति में शेषफल शून्य आएगा उसमें जो भाजक होगा उसे हम क्या कहेंगे, SCF, अंतिम भाजक ही SCF होगा। SCF कितना आ गया, 5। और अब अंत 15 × 25 का SCF कितना होगा, 5। इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसकी बात करेंगे जब हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। चलिए बाकी जानना जरूरी है, जरूरी नहीं कि आप इससे सवाल को हल करिए, हल करने के लिए कई तरीके हैं। आइए तीसरा तरीका क्या है, आप देखिए जो आप जानते हैं जिसे हम और आप करेंगे। अगर मैं कहूं कि 12 और 16 का आप HCF बताओ, 12 16 का HCF, आप मुझे बताओ 12 और 16 को जो HCF होगा वो क्या होगा, 12 और 16 का ही एक
गुणनखंड होगा। 12 और 16 का ही एक गुणनखंड है ना, आप मुझे बताइए, 12 और 16 का ही एक गुणनखंड होगा है ना। इसका मतलब आप मुझे दे, 12 और 16 का गुणनखंड होगा मतलब यहां पर एक ऐसी संख्या आएगी जो 12 को भी काटेगी और जो 16 को भी काटेगी है ना। पहले का मतलब कि एचसीएफ, जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो संख्याओं से हमेशा छोटी होगी, क्योंकि एचसीएफ का दूसरा नाम भी होता है भाजक, ठीक है, महत्तम भाजक ये भी कह सकते हैं आप। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, डिवाइजर कहिए या आप फैक्टर कहिए, एक ही बात है। तो यहां पर जो भी संख्या आएगी वो 12 को भी काटेगी और 16 को भी काटेगी। आप मुझे बताइए, तो यहां पर जो भी आएगी संख्या, ध्यान दीजिएगा इस बात को, दी गई संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो उनके बीच जो अंतर होता है उसके बराबर होगी या उसका भी एक गुणनखंड होगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप वो देखिए, जैसे 12 और 16 का अंतर कितना है 4, तो 4 एचसीएफ तभी बनेगा जब 4 से दी गई संख्याएं विभाजित हो। 4 12 को भी काट दे रहा है, 4 16 को भी काट दे रहा है, इसका मतलब 4 ही क्या है एचसीएफ। अब आप ये कह सकते हैं भाई क्यों सर, 4 जो अंतर है उससे बड़ा कभी क्यों नहीं होगा, आप मुझे बताइए कि यहां पर जो 12 और 16 है, अगर यहां पर 12 जो संख्या है भाई, 12 का मतलब जो भी इसको काटेगा गुणनखंड वो क्या होगी, एक अंतर में ही चलेगा। 4 अगर है तो 4 4 के पहाड़े में चलेगा, 4 8 12 फंस गया, 4 चौके 16 मतलब 4 के पहाड़े पड़ेगा। कहने का मतलब है कि 4 के पहाड़े में अगर गुणनखंड चल रहा है तो 4 से कभी बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस बात को आप लिख लीजिए या समझ लीजिए, यहां पर जैसे 10 है 20 है और 25 है, मैं कहूं इसका एचसीएफ बताओ है ना, तो आप निकालने की बजाय देख लीजिए, 10 से 20 का अंतर क्या है 10, 20 से 25 का क्या है 5, और 25 से 10 का अंतर कितना है 15। दी गई संख्याओं के बीच जो सबसे छोटा अंतर होगा एचसीएफ वही होगा या उसका भी एक गुणनखंड होगा। जैसे यहां पर सबसे छोटा अंतर क्या है 5, तो ये एचसीएफ तभी होगा जब दी गई संख्याएं से कट रही हो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 पचे 25, तो एचसीएफ क्या हो गया 5, ठीक है। जैसे मैं कह दूं चार आठ 12 और 15 का एचसीएफ बताओ, तो आपने देखा भाई यहां पर गैप 4 है, 4 गैप है, यहां 3 है और जगह 12 है, सबसे कम गैप क्या है 3 का, तो आपने कह दिया एचसीएफ क्या हो गया 3। लेकिन एचसीएफ 3 तभी माना जाएगा जब 3 से बाकी संख्याएं कट रही हों, 3 से ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, केवल ये कट रहा है, तो 3 एचसीएफ नहीं है। फिर 3 का भी मैं गुणनखंड करूंगा, 3 के गुणनखंड क्या होगा, एक भी काटेगा 3 को और 3 भी काटेगा, इसका मतलब 3 के दो ही गुणनखंड हैं, 3 तो काट नहीं पा रहा था तो एक देखते हैं, एक सबको काट देगा तो एचसीएफ क्या बनेगा 1। और आप इस बात को देख सकते हैं कि 4 8 12 15 का एचसीएफ क्या है 1, ठीक है। तो हमने क्या निकला समझा यहां पर वो ध्यान देंगे, नोट बना के लिख लीजिएगा आप, दी गई संख्याओं का एचसीएफ उनके बीच का न्यूनतम अंतर होगा होगा या अंतर का एक गुणनखंड होगा। इस बात को आप समझिएगा, कोई कहता है भाई अंतर से बड़ा क्यों नहीं होगा, तो आप कह दीजिएगा जो भी गुणनखंड होगा वो एक फिक्स
अंतर में ही चलेगा, है ना। जैसे चार एचसीएफ बन रहा था, चार चार के पहाड़े में ही संख्या आगे चलेगी। चलिए जैसे मैं कहूं आपसे बारह सोलह चौबीस छत्तीस का एचसीएफ बताइए, तो आप देख रहे हैं यहां पर गैप कितना है 12 का, यहां कितना है 20 का, है ना। यहां 12 का है, यहां पर 20 का है, यहां पर 8 का है, यहां पर 4 का है। सबसे छोटा गैप 12 और 16 के बीच 4 का है, 4 से छोटा गैप कहीं नहीं है। तो एचसीएफ 4 हो सकता है तभी जब 4 से सभी संख्याएं कट जाएं। तो 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, 4 नवे 36, तो एचसीएफ क्या हो गया 4। ठीक है, चलिए एक तो ये सवाल आ गया। चलिए अब एचसीएफ पे सवाल शेषफल के रूप में कितनी तरह से आते हैं, तो रिमाइंडर विथ एचसीएफ, ठीक है, रिमाइंडर विथ एचसीएफ मतलब एचसीएफ के साथ शेषफल के रूप में कितने सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसमें भी तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो कितने तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पहला आप पहले टाइप ही लिख लीजिए पूरे, है ना। अगर सवाल है कि वह अधिकतम संख्या संख्या जो एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित कर दे, है ना, वह अधिक सम संख्या जो एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित कर दे। आप मुझे बताइए एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित कर रही है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों को काट रही है और अधिकतम है, तो कहने का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रहा है। तो आंसर के रूप में आप लिख सकते हैं, आंसर क्या होगा जो एचसीएफ आ जाए, एचसीएफ किसका एक्स वाई जेड का, ठीक है। दूसरा सवाल यहां बन सकता है कि वह अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या जिसे एक्स वाई जेड में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में r शेषफल प्राप्त होता है, तो इस स्थिति में आंसर क्या होगा, अभी आप लिख लीजिए। फिक्स क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, फिर मैं सवाल के समय आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, एचसीएफ निकालना होगा किसका x माइनस r, y माइनस r और z माइनस r, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, पहले कितने तरह क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देख लेते हैं, फिर इस पर हम सवाल करेंगे। वह अधिक सम संख्या जिसमें जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में आर शेषफल प्राप्त होता है, तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर क्या होगा, दी गई संख्याओं में शेषफल घटा के हम एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, तीसरा और नीचे लिख लेते हैं, वह अधिकतम संख्या जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने पर
क्रमशः R1, R2, R3 प्राप्त होता है, वह अधिकतम संख्या जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने पर शेषफल क्रमशः R1, R2, R3 प्राप्त होता है। इसका मतलब तीनों संख्याओं में अगर उस संख्या से भाग दिया जाए तो प्रत्येक संख्या में अलग अलग शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा HCF, किनका? संख्याओं से उनका शेषफल घटा देंगे, एक्स माइनस आर वन, वाई माइनस आर टू और जेड माइनस आर थ्री, है ना? सेम यहां पर भी किया है एक्स माइनस आर, यहां पर समान शेषफल था तो तीनों से उतने ही घटाया गया, यहां पे अलग अलग है तो वही। एस सी एफ पे तीनों कंडीशन में सवाल का जो व्यंजक है उत्तर का वो एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। तीस और चौथा आप देख लीजिए, यहां पर चौथा, वह अधिकतम संख्या जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान प्राप्त हो, प्रत्येक दशा शेषफल आर प्राप्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एस सी एफ निकालेंगे किसका? प्रत्येक संख्या से शेषफल घटा के एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर और जेड माइनस आर। अब आप में से सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर दूसरा जो सवाल था वही आपने चौथे भी रूप में लिख दिया है, वह अधिकतम संख्या जिसमें एक्स वाई जेड में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल आर प्राप्त होता है, और यही मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है। तो ये दोनों बातें लिखी तो एक गई हैं लेकिन अलग अलग हैं, क्यों? इसमें आप नोट में लिख लीजिएगा, यहां पर शेषफल पता है, मतलब यहां पर शेषफल आपको दिया गया होगा, यहां पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आ रहा है लेकिन शेषफल का मान पता नहीं होगा, ठीक है? शेषफल पता नहीं है, ठीक है? दोनों में यही अंतर होगा। तो ये चार तरह से सवाल बन सकते हैं आपके एससीएफ पे। जल्दी जल्दी से फिर हम सवाल कर लेते हैं तीन ठो, आइए, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब हम बात करते हैं इनको ज्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे जब हम सवाल करेंगे, ठीक है? चलिए मिटा देता हूं मैं, मिटा दो फिर आइए। तीन तरह के सवाल इसमें बनेंगे, मैं तीनों सवाल की चर्चा कर लेता हूं, ठीक है? सोवा अधिकतम संख्या एक सौ दस और 128 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल
दो प्राप्त होता है। ठीक है, तो वह अधिकतम संख्या बताना है जिससे 110 और 128 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल दो प्राप्त होता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर दो? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, लिख लीजिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 698 और 450 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 8 प्राप्त होते हैं, तो वह बड़ी संख्या क्या है? तीसरा सवाल, ध्यान देंगे यहां पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 206 368 और 449 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है? इस तीन तरह के सवाल आपको एग्जाम में दिखते हैं, है ना, बहुत ही आसान है, ध्यान देंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला सवाल है वह अधिकतम संख्या जिससे 110 और 128 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल दो प्राप्त होता है, वह अधिकतम संख्या क्या है, टाइप नंबर वन। वही सवाल ये भी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन संख्याओं में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर शेषफल दिया नहीं गया है। दूसरा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे संख्याओं में भाग देने पर प्रत्येक शेषफल में अलग अलग शेषफल प्राप्त हो रहे हैं। तीनों सवाल अलग अलग हैं, लेकिन इनके जो उत्तर का व्यंजक है वो एक है, संख्या से शेषफल को घटाकर उसका एचसीएफ ले लीजिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा? एचसीएफ किसका लेना है? एचसीएफ 110 से शेषफल दो घटाना है और 128 से शेषफल दो घटाना है। चलिए इसका मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं ताकि एक बार खुद आप प्रयास कीजिएगा, 18, 8, 18, 28 और 36। 8, 18, 28 और 36, ठीक है, ये आपके चार ऑप्शंस हैं, इनको पहले आप खुद लगाइएगा फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। दूसरा, इसके क्या है, 11, 13, 17 और 20, ये दूसरे सवाल के ऑप्शंस हैं। और तीसरे, 32, 48, 81 और 96, ये तीन सवाल है, तीन सवाल है तो उनके ऑप्शंस हैं। आइए ध्यान से, तो पहले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? एचसीएफ निकालेंगे, संख्या का शेषफल घटाएंगे, उनका एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ किसका निकलेगा? 110 में दो गए 108, 128 में दो गए 126, इनका संख्याओं का एचसीएफ उनके बीच का न्यूनतम अंतर होता है। दो ही संख्याएं हैं, इनके बीच का अंतर कितना है? 108 और 126। अंतर मतलब बड़ा सा छोटा घटाना। 126 में अगर मैं 108 घटाऊंगा तो यहां पर क्या आएगा? 18।
तो एफसीएफ 18 तभी होगा जब 18 से 108 और 126 दोनों ही पूर्णतः विभाजित हो। तो 18 से अगर ये कटे तो 18 छंग 108 और 18 सत्ते 126 दोनों ही कट रहे हैं। तो दोनों ही कट रहे हैं इसका मतलब एचसीएफ क्या है हमारा 18। इसका मतलब वह अधिकतम संख्या 18 है जिससे 102 में 110 में और 128 में अगर मैं भाग दूंगा तो प्रत्येक दशा में दो क्या आएगा शेषफल। समझ पा रहे हैं? देखिए अंतर क्यों होता है यहां से समझ सकते हैं। 18 अंतर है इसका मतलब अगर 18 110 को काट रहा है, सॉरी 18 108 को काट रहा है। आप मुझे बताइए, आप इस बात को बताइए, 18 से अगर कोई संख्या कट रही है, मान लीजिए 18 कट रहा है, तो अगली संख्या 18 से कौन सी कटेगी? 36। फिर अगली 54 ही कटेगी, अगली 72, अगली 90। कह सकते हो कि जो भी एचसीएफ होगा उसी फिक्स अंतराल में संख्या फिर कटेगी। मतलब अगर 108 कट रहा है 108, तो अगली संख्या कौन सी होगी? 126 ही होगी। फिर अगली कौन सी होगी? 144। अगर 18 भाजक है तो 18 के गुणे में ही संख्या कटेगी। मतलब 18 एकम 18, 18 दुनी 36। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि न्यूनतम अंतर एचसीएफ क्यों होता है। ठीक है, आइए सवाल दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 698 और 450 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 8 प्राप्त होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? एचसीएफ किसका निकालेंगे? संख्या से केवल उसके शेषफल को घटा दीजिए। यही क्या है उत्तर? सरल कर लेते हैं, 698 में 9 गया तो 698 में गया तो क्या हो गया? 689, और यहाँ 450 में आठ गया तो 442। इसका एचसीएफ निकालना है। हम जानते हैं एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं के बीच का न्यूनतम अंतर। 689 में 442 घटा देते हैं, 9 में 2 गए 7, 8 में 4 गए 4, 6 में 4 गए 2। तो एचसीएफ 247 तभी होगा जब 247 से ये संख्या कटे और ये संख्या भी कटे। आप देख रहे हैं 247 इसको नहीं काट पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? 247 के हम गुणनखंड करेंगे, है ना? अब 247 के गुणनखंड, 247 के गुणनखंड आप मुझे बताइए, दो से पहले ट्राई करेंगे, दो से नहीं कट रहा है, तीन से कटेंगे, चार दो छह, छह सात तेरह नहीं कट रहा है, चार अंतिम दो अंक नहीं कट रहा है, पांच से नहीं कट रहा है, छह से नहीं कट रहा है। अगर संख्याएं दो तीन चार पांच से नहीं कटती है तो आप समझ जाते हैं कटने वाला नहीं है, फिर आप डर जाते हैं, तब आप ऑप्शन का सहारा लीजिए। तभी मैंने आपको ऑप्शन दिए। ऑप्शन में क्या है? अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, है ना? 20 को छोड़कर अन्य तीन की जो मेजोरिटी है वो अभाज्य संख्याओं की है। तो आप 11 से काटिए, 11 भी अभाज्य संख्या है, 11 दूनी 22, दो नहीं कट रहा है, 13 से काटिए, 13 एक कम 13, यहां बचा 11, 13 नवैया 117। इसका मतलब 243 के गुणनखंड एक तो सभी को काटेगा, 11 13 और 19 भी बन गए, 13 19 संख्या स्वयं, है ना? क्योंकि भाई 13 से काटा तो 19 मिला, 19 किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब 247 के 13 19 अन्य दो गुणनखंड मिले। अब 247 तो एचसीएफ नहीं था, एक हो सकता है, एक तो सभी को काट देगा, लेकिन एक तभी होगा जब 13 और 19 में कोई भी दोनों ना हो। 13 से काट देता हूं, 13 पंचे 65, 3 13 तिया 39 कट जा रहा है, 442 को 13 से काटता हूँ, 13 तिया 39 39, 5 बचा 13 चौके 52। 13 से ये भी कट गया ये भी, लेकिन 13 तभी होगा जब 19 ना हो, क्योंकि 19 भी अगर दोनों को काट दिया तो 13 से बड़ा क्या है? 19। काट के देखते हैं, 689 को 19 से, 13 तिया 19 19 तिया 57 57 यहाँ बचा 11, 19 19 119 को नहीं काट पाएगा, है ना? 19 19 5 24, हाँ। तो अब 19 नहीं काट पा रहा है, तो 19 नहीं काट पा रहा था, 247 नहीं काट पा रहा था, 13 काट दे रहा है और एक काट दे रहा है, लेकिन 13 एक से बड़ा है, तो यहां पर एचसीएफ क्या बनेगा? 13। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, आइए तीसरा बताते हैं, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। ठीक है, अब प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान है, तो मान लेता हूं कि माना
शेषफल है आर। तो मुझे पता है कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, एससीएफ निकालना होगा, किसका, प्रत्येक संख्या से शेषफल घटा के। ठीक है, ये यही हमारा आंसर है। लेकिन ऐसा आंसर तो ऑप्शन में मिलेगा नहीं, इसका मतलब थोड़ा सा हमें सरल करना होगा। ठीक है, सरल कैसे करेंगे, हमें तो आर का मान ही नहीं पता है। तब इसके लिए एक चीज आपको जानना है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 12, 16 और 20 का एससीएफ बताओ, 12, 16, 20 का, अगर आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप 12, 16, 20 का एससीएफ बताओ, तो इसे आप सरल कर सकते हो थोड़ा सा। कैसे, आप 12 में 16 घटा दो, ठीक है, मतलब 16 में 12, फिर 20 में 16 और फिर 20 में 12, क्या आ गए, 16 में 12 गए 4, 20 16 गए 4 और 20 में 12 गए 8। मतलब कि 12 16 20 का एससीएफ वही होगा जो इनके बीच अंतर आए हैं उनका होगा, 4 4 8 का एससीएफ कितना आएगा, 4। तो अगर 4 4 8 का भी एससीएफ 4 है तो 12 16 20 का भी एससीएफ निकालेंगे कितना आएगा, 4। कहने का मतलब मैंने आपको क्या सिखाया, ये नोट में आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट, एससीएफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एससीएफ ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, मतलब ए बी सी का जो भी एससीएफ होगा वो ए माइनस बी, इनके बीच का अंतर, फिर बी माइनस सी और फिर सी माइनस ए। यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप अंतर यहां पर देख रहे हो, बस बड़ी से छोटी घटाइएगा। अभी जैसे हमने देखा था 16 12 16 20 था, अगर आप 12 में 16 घटाते हो तो 12 में 16 घटाओगे तो माइनस 4 आएगा, तो माइनस को अवॉइड कर दीजिएगा। अंतर की बात हो रही है, मतलब बड़े से छोटे घटाएंगे, अगर आप छोटे से बड़े को घटा रहे हो तो अंतर के मान में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस का साइन आ जाएगा जिसको आप हटा सकते हो। ठीक है, तो इस बात को नोट में आप लिख लीजिए। तो आइए, तो ऐसे आप इसका निकाल तो पाएंगे नहीं, आर का मान नहीं पता है, तो हम फिर इसको सरल करेंगे। कैसे, इसमें से इसको घटाएंगे, 368 माइनस आर माइनस 206 माइनस आर, फिर 449 माइनस आर से माइनस करेंगे 368 माइनस आर, और 449 माइनस आर से मैं घटाऊंगा 206 माइनस आर को। सरल हो गया, एफसीएफ किसका आ गया, 368 में माइनस से ये कट गया है ना, और 368 में 206 कट गया, तो 8 में 6 गए 2, 6 में शून्य गए 6 और 3 में 2 गए 1। यहाँ से माइनस आर से प्लस आर कट जाएगा, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 9 में 8 गए 1, 14 में 6 गए 8 और 3 में 3 गए 0। यहाँ से आर कट जाएगा, 9 में 6 गए 3, 4 में शून्य गए 4 और 4 में 2 गए 2। ये आ गया, आप मुझे बताइए, इसका तो आप नहीं बता सकते एससीएफ, लेकिन इसका बता सकते हो। तो इसका एससीएफ क्या होगा, संख्याओं के बीच का न्यूनतम अंतर, इसका अंतर ज्यादा आएगा, इसका कम है, इसका अंतर कितना है 81 है ना, इसका अंतर 160 के लगभग आएगा, इसका भी 3 में 2 गए 1, 14 में 6 गए 8 है ना, तो 81 आ रहा अंतर, इसका मतलब एससीएफ 81 होगा। कब होगा, जब 81 तीनों पदों को काट दे, तो 81 दुना 162, 81 कम 81, 81 243, तीनों काट रहा है, इसका मतलब एससीएफ क्या है 81, इसका मतलब इसका उत्तर क्या है 81। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये तीन सवाल आपने देखे हैं, आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो फिर कोशिश कीजिएगा, सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर वीडियो में आपको कहीं कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा। इसके बाद हम एलसीएम और एससीएफ में जो सेपरेट पार्ट था वो हमने पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों की, एलसीएम एससीएफ को मिलाकर देखेंगे, और ऐसी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा आपको जो शायद आपको ना पता हो। ये बहुत आसान थी, लोग जानते हैं,
इसलिए आपको उतना मज़ा नहीं आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट क्लास में आपको मज़ा आए। तब तक लिए आप बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।